हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप बाय स्टेप स्टडी। कैसे हो आप सब? मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो है अबाउट दी ऑरेंजेस। अब आप बोलोगे कि मैम, ऑरेंज तो हम डेली खाते हैं और रोज़ एक तो खा जाते हैं, तो इसमें पढ़ने वाली क्या बात है? तो ये सिर्फ ऑरेंज के बारे में टॉपिक नहीं है, कितने टाइप के ऑरेंजेस होते हैं, क्या रिच सोर्स होता है इसमें, कितना बेनिफिशियल है ये ऑरेंज रोज़ का खाना। जो आप एक ऑरेंज भी खाते हो तो उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैलोरीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम कितना होता है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सिर्फ ऑरेंज एक है पर क्वेश्चन इसमें 10 से 15 बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जिसने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, काइंडली ज्वाइन दैट चैनल। यू जस्ट हैव टू राइट स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑन टेलीग्राम, सर्च इट, यू विल फाइंड दी लोगो ओवर देयर एंड जॉइन दैट चैनल। वट हैपन्स इन दैट चैनल इज आई टेक डेली क्विज फ्रॉम द न्यूज़ पेपर। टूडे आई हैव टेकन द मॉर्निंग क्विज फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, एंड इन द आफ्टरनून आई टेक वन क्विज, एंड देन इन द इवनिंग आई टेक अनदर क्विज। सो काइंडली अटेंड दैट एंड देखो कि कितना अच्छे से आप लोग न्यूज़ पेपर रोज़ का पढ़ते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज वट आर ऑरेंजेस, ये ऑरेंज होते क्या हैं? ये सभी को पता है दैट एक राउंड कलर का, ऑरेंज कलर का एक सिट्रस फ्रूट है जो पेड़ों पे उगता है। ओरिजिनली ये कहाँ से आया था? ओरिजिनली ये चाइना से आया था। ऑल राइट, अगर आपसे पूछें कि ओरिजिनली ये ऑरेंज कहाँ से आया था, तो इट केम फ्रॉम चाइना। बट आजकल जो है, जहाँ पर भी गर्म इलाके हैं, जहाँ पर भी गर्मी होती है, वहाँ पर इसको उगाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्या ये विंटर्स में उगाया जाता है, समर्स में? कहाँ पर? जहाँ टेम्परेचर गर्म होता है वहाँ पर ये उगता है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस, कितने टाइप्स के ऑरेंज होते हैं? यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस हैं। कौन कौन से? वन इज नेवल, मंडेरियन, काराकारा, ब्लड ऑरेंज, वैलेंसिया, सवाइल, गाफा। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन दे कैन पुट अप इन योर एसएससी रीजनिंग सेक्शन में कि मार्क अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट ए वेराइटी ऑफ ऑरेंज, या फिर विच वन इज़ द वेराइटी ऑफ ऑरेंज, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दे कैन आस्क यू इन द जीएस पेपर एंड यूपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ऑल राइट, तो चलिए नीचे चलते हैं। देन वी हैव द ऑरेंज हैज़ मोर देन 100% ऑफ योर रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ वाइटामिन सी। न्यूट्रिशन जो ऑरेंजेस में होता है वो कितना होता है? लाइक हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं ऑरेंज में, वो कितना न्यूट्रिशन है? एक ऑरेंज जब आप खाओगे मीडियम साइज़ का, तो आपके पेट के अंदर क्या क्या गया, लेट्स सी। 60 कैलोरीज आपके पेट में गई। कोई भी फैट नहीं होता ऑरेंज में, कोई भी सोडियम नहीं होता। सोडियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Na+। और ये जो Na है, राइट, Na जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा जो ये Na एलिमेंट है आपका, ये क्या करता है? ये Na आपका BP बढ़ाता है, ठीक है? सोडियम BP बढ़ाता है, इसमें सोडियम नहीं है। दैट मीन्स इसमें BP बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, BP लो ही होगा जब आप इसको खाएंगे। 3 ग्राम्स फाइबर का होता है इसमें, 12 ग्राम शुगर होती है, अच्छी शुगर, गुड शुगर। 1 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अब ये देखिए, अब आप बोलोगे प्रोटीन तो एनिमल फैट्स में होता है और इसमें ये होता है, या फिर सोया मिल्क में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 ग्राम प्रोटीन आपका ऑरेंज में भी होता है। 14 माइक्रोग्राम्स ऑफ वाइटामिन ए, वाइटामिन ए इज़ वेरी गुड फॉर योर आइज। 70 मिलीग्राम्स ऑफ वाइटामिन सी, वेरी गुड फॉर योर स्किन। देन वी हैव 6% ऑफ योर डेली रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ कैल्शियम। अब ये देखो, कैल्शियम भी है इसमें, सिर्फ दूध में ही कैल्शियम नहीं पाया जाता, ऑरेंज में भी कैल्शियम मिलता है। तो अगर आप एक ऑरेंज खाते हैं तो 6% ऑफ योर डेली रिकमेंडेड कैल्शियम भी आप ले रहे हो इसके साथ। 237 मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम क्या करता है? बीपी लो करने का काम करता है। तो 237 मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम भी होता है इसमें, एंड ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज 15.4 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट कंटेन्स। हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं ऑरेंज के, अब ये पढ़ लेते हैं जल्दी से। प्रोटेक्ट्स आवर सेल्फ फ्रॉम सेल डैमेज, जो सेल डैमेज हो जाता है ये उसे प्रोटेक्ट करता है। हमारी बॉडी को कोलेगन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। कोलेगन क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है जो जब वूंड्स होते हैं उसको हील करता है और हमारी स्किन को स्मूदर लुक देता है, राइट।
तो आपने देखा होगा जो आपकी हीरोइंस वगैरह होती हैं और एक्ट्रेसेस वगैरह होती हैं, वो इंजेक्शंस लेती हैं कोलेगन के अपनी स्किन में। वो किस लिए? ताकि उनकी स्किन जो है वो स्मूथ रहे और उसमें झुर्रियाँ या फिर रिंकल्स वगैरह ना पड़े। तो ये जब रिंकल्स पड़ जाते हैं ये कोलेगन की कमी से पड़ते हैं, राइट। देन मेक इट इजियर टू एब्जॉर्ब आयरन टू फाइट एनीमिया। ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में इजी होता है और ये क्या करता है फिर एनीमिया को फाइट करने में। आयरन किसकी है? जो अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, ठीक है। और ये जो है ऑरेंज, ये हेल्प करता है आयरन को एब्जॉर्ब करने में। अब आपको पता है कि आयरन जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है किसमें? आप जो खाते हो अनार, राइट, पोमेग्रेनेट। अनार में बहुत ज़्यादा ही आयरन होता है। और कभी भी देखना आप अनार के जूस को डायरेक्ट नहीं पी सकते, आपका पेट ख़राब होगा ही होगा 112%। तो उसमें क्या करते हैं, जब आप जूस पीने जाते हो तो अनार को डायरेक्ट वो करने की बजाय उसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिला देते हैं और वो अनार और ऑरेंज को मिक्स करते हैं। ऑरेंज इसलिए मिक्स होता है ताकि जो अनार का आयरन है ना वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। देन वी हैव फोर्थ पॉइंट, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आवर बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट जर्म्स, ठीक है। देन जो एज रिलेटेड MAD है, मस्कुलर डीजनरेशन, ये उसको कम करता है। और ये क्या होता है AMD? ये है लीडिंग कॉज ऑफ विजन लॉस। जो हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाती है, लीडिंग कॉज है विजन लॉस का, जो एज रिलेटेड हमारी आइज वीक होती हैं। ये कैंसर कॉजिंग फ्री रेडिकल्स को फाइट करने में हेल्प करता है। व्हेन यू आर फीलिंग एंशियस, कभी भी एन्जाइटी वगैरह होती है आपको, जैसे बहुत ज़्यादा एंशियस आप फील करते हो, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कभी भी जाओगे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास और आपको पता है कि आपको एन्जाइटीज़ होती हैं, तो वो आपको विटामिन सी की टेबलेट ज़रूर बोलेगा। उससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस हॉर्मोन है, जो कि है कॉर्टिसोल, के एक क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेस हॉर्मोन कौन सा? कोर्टिसोल, उसको कम करने में हेल्प करता है और ब्लड प्रेशर को लो डाउन करने में ये हेल्प करता है। आगे चलते हैं, अब इनके पॉइंट्स एक एक डिस्कस कर लेते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फाइबर का क्या काम है, कैल्शियम का क्या काम है, फोलेट का क्या काम है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन क्या होती है सबसे पहले मैं वो बताती हूँ। इन्फ्लेमेशन वो होती है जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम आपकी हेल्दी सेल्स को अटैक करता है, दैट इज़ नोन एज इन्फ्लेमेशन। जब ये इन्फ्लेमेशन एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन जाती है, लॉन्ग टर्म उस पर हो जाती है, तो क्या होता है आपके बॉडी में डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेज, आर्थराइटिस, कैंसर, अल्जीमर डिसीज जो ब्रेन की डिसीज़ होती है, ये सारी डिसीज़ फॉर्म हो जाती हैं। तो ऑरेंज का बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो ये सब हमारी बॉडी बच जाती है इन सब चीज़ों से। देन फाइबर्स, 3 ग्राम ऑफ फाइबर होता है एक मीडियम ऑरेंज में, ये आपको पता है। तो बावल मूवमेंट जो होती है वो हेल्दी रहती है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल कम बनता है, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं गुड कोलेस्ट्रॉल होता है दूसरा, और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेज कम हो जाती हैं, जो आपके पेट वगैरह में अल्सर्स होते हैं वो कम बनने कम हो जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन ऑरेंज अ डे। सी, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, और ये देखो एन ऑरेंज अ डे कीप्स मैनी डॉक्टर्स अवे, राइट। फाइबर्स जो है ये स्लोज द वे ऑफ योर बॉडी टू एब्जॉर्ब शुगर। जब हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है शुगर को एब्जॉर्ब करने की, फाइबर उसको स्लो डाउन कर देता है। उससे क्या होता है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है शुगर पेशेंट्स के लिए भी। देन वी हैव कैल्शियम, ऑरेंजेस में कैल्शियम की मात्रा होती है, और कैल्शियम क्या करता है, बोन्स को, ऑर्गन्स को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। फोलेट फॉर मॉम्स एंड बेबीज, तो ये क्या है, इसमें फोलेट पाया जाता है जो कि जो आपकी प्रेग्नेंट वीमेन है उनको दिया जाता है, और बेबीज़ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो एक फोलेट का काम क्या होता है, इट डिवाइड्स द सेल एंड मेक DNA। बिकॉज ऑफ दिस इट प्रिवेंट्स बर्थ डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स प्रिवेंट करने में हेल्प करता है फोलेट, और फोलेट नेचुरली पाया जाता है आपके ऑरेंज में, राइट। तो देखिए कितना सारा बेनिफिट्स हैं इसमें। फॉलेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर विटामिन बी, ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी होता है फॉलेट का दूसरा नाम। चलिए आगे चलते हैं, शुगर, गुड शुगर, आपको पता है 12 ग्राम शुगर होती है ऑरेंज में, बिल्कुल नेचुरल होती है, बिल्कुल अलग होती है जो शुगर कैंडी वगैरह में पाई जाती है, तो वो वाली कैंडी, वो वाली शुगर नहीं होती है, ये डिफरेंट शुगर होती है, एंड इट इज़ अ गुड शुगर।
सो आपको जब भी कैंडीज बनाने का मन करे या कुछ भी इस तरीके का, तो आप इस ऑरेंज की शुगर को यूज़ करें या फिर ऑरेंज के जूस को यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। प्लस फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स तो इसमें होते ही होते हैं। देन वी हैव पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है? ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। सिट्रिक एसिड और सिट्रेट, इसके कंपाउंड्स किडनी में स्टोन बनने से हेल्प करते हैं, कि ताकि स्टोन्स ना बने उसमें हेल्प करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, काइंडली नोट द डाउन ऑन अ पेपर। और दूसरी चीज़, कीप स्टडिंग, ज्वाइन आवर चैनल। कोई भी डाउट आता है, यू हैव आर ID, यू हैव आर चैनल, यू हैव आर पर्सनल नंबर, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।